पैंगोंग के अंदर चाइना द्वारा एक साजिश रचने का प्रयास हुआ, 200 सैनिक लेकर के उसने हमला करा, लेकिन आगे हम बड़े अलर्ट थे। जब हमारे श्रीमान रावत जी वहाँ गए और उन्होंने एक ऐसी भूमिका तैयार करी, उस भूमिका के माध्यम से आगे तैयार थे, इसलिए वो कोई ऐसी साजिश रचने का प्रयास नहीं कर पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चीन पर विश्वास करना गलत है। 18वीं बार हमने बातचीत प्रारंभ करी है, लेकिन चीन बाज नहीं आता। चीन और पाकिस्तान मिलकर के साजिश रचने का प्रयास करना चाहते हैं, इसलिए बातचीत बंद होनी चाहिए, आर्या पार होना चाहिए और चीन को और पाकिस्तान को एक सबक दिखाने का हमको प्रयास करना होगा। अरे पहले हम अकेले थे, अब वियतनाम युद्ध के कारण अमेरिका भी युद्ध पोतों को लेकर के सागर के अंदर उमड़ पड़ा है और कोई घबराने का विषय नहीं है। आज चाइना नस्ते नबूत हो जाएगा, आज चाइना का जैसे बहिष्कार करा मोदी जी ने, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान राजनाथ सिंह जी और मोदी जी आगे बढ़ो, 130 करोड़ जनता आपके साथ है और चाइना को नस्ते नबूद कर दो। और ये जो पार्टियां जो घर में बैठ करके हिंदुस्तान में बैठ करके कि श्रीमान मोदी जी लाल आंखें नहीं करते, अरे 200 व्यक्ति हमला नहीं कर पाए, वो लाल आंखें नहीं थी तो क्या थी? और तुम्हारे बारे में चाचा नेहरू के विषय के अंदर क्या हुआ, कितनी जमीन चाइना ने हड़प ली, मैं उसके अंदर आज जाने का प्रयास नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये लाल आंखें करने वाला विषय आप एक कमरे के अंदर बंद होकर के भी इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन फौजियों को कमजोर करना